सर पे बाल है तो जहान है, और बालों का गिरना चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मन में ख्याल आने के बाद ही कि मेरे बाल गिरने लगे हैं या मैं गंजा हो जाऊंगा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आप अपने बालों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको मजबूत कर सकते हैं और कैसे जो रोज आपके बाल गिरते हैं उनको आप रोक सकते हैं। हालांकि बालों का गिरना बिल्कुल नेचुरल होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बाल गिरने लगे तो फिर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है और आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसके मुख्य कारण क्या है, 5 मुख्य कारण होते हैं बाल गिरने के, और वो कौन सी रेमेडीज हैं जिससे आप अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं, और जो बाथरूम में आप नहाते हैं और ऐसे मुट्ठी में आपके बाल आते हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो आप बॉयज हो या गर्ल्स, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक और इसका फायदा उठाइए। बालों के गिरने के जो मुख्य कारण होते हैं, एक तो देखिए होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और अक्सर ये एक उम्र के बाद होता है, जनरली यंग एज में हेरिडिटरी बालों का गिरना बहुत कम देखा गया है और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं उसके जो एक कारण होते हैं उसमें कुछ कारण होते हैं जैसे कुछ डिजीजेज होते हैं, खासतौर से कुछ डिफिशियंसीज होती हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी और जिंक डिफिशियंसी सबसे कॉमन है, विटामिन डिफिशियंसी एंड कैल्शियम डिफिशियंसीज के कारण भी आपके बाल गिरते हैं। उसके अलावा डेंड्रफ अगर आपके सर में हो जाता है तब भी आपके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज है और जो आपके हाथ की चीज है वो होता है लगातार हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल। वो कौन कौन सी चीजें हैं? आप बालों में जेल लगाते हैं, आप खुशबूदार ऑयल लगाते हैं, बालों को रंगीन बनाने के लिए अलग अलग तरह के कलर यूज करते हैं। ये सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं जिससे आपके बाल जल्दी गिरने लगते हैं। तो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स के यूजेस से आप अगर बचेंगे तो आप अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। उसके अलावा फिर भी अगर आपके बाल गिर रहे हैं या कोई और भी कारण है आपके बाल गिरने के, तो ये जो कुछ रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूं, और होम रेमेडीज हैं, कोई ऐसे बाहर से आपको शायद दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में इनको सिंपली इलाज करके अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं, बालों को स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं और प्रीमैच्योर ग्रेइंग से भी रोक सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला नुस्खा होता है या जो सबसे पहली होम रेमेडीज है बहुत आसान है, जिसके अंदर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है आंवला और दूसरा होता है लेमन। आपको आंवला पाउडर लेना है और थोड़ा सा लेमन जूस ले लेना है। आंवला पाउडर और लेमन जूस को आप एक साथ मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए अच्छे से जो आपके सर पे आ जाए, और उसको बालों की जड़ों में अंदर स्काल्प में इसको लगा दीजिए। हफ्ते में 2 बार आपको ये काम करना और लगातार करना है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक तो इसे आपका डेंड्रफ जाता रहेगा और आपके बाल लंबे होंगे, ग्रो करेंगे, शाइनिंग आ जाएगी बालों में और प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी कम हो जाएगी। उसका कारण है इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा होना। आंवले के अंदर विटामिन सी आपके बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकता है और बालों को ग्रो करने में और बढ़ाने में काफी मददगार होता है। तो इसको आप रात को या जब भी आपका मन करे आप आधे घंटे के लिए लगा लीजिए, 45 मिनट के लिए, और फिर आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से, हर्बल शैम्पू यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, अपने बालों को आप धो सकते हैं, बहुत ही रामबाण औषधि है। उसके अलावा दूसरे जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ बहुत मशहूर है, जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा को आप सिंपल एक लीफ लेने की जरूरत है उसकी, उसको आप छील लीजिए, उसके अंदर एक जेल निकलता है और उस जेल को आप एक बाउल में डाल दीजिए और उसको आप थोड़ा सा मैश करके अपने बालों की जड़ों में स्काल्प पे लगा के आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं, काफी है, और इसको आप जो मैंने ऊपर बताया था इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, तो आपको डबल फायदा मिलेगा। उसके बाद आप सिंपली सुबह या जब भी आप ये वॉश करते हैं तो आप कोई भी अपना हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू ही यूज करें, या जो भी आपका रूटीन शैम्पू आप यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, ये मैजिक रेमेडी है बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इससे आपके बाल स्ट्रेंथन होंगे, सिल्की होंगे, शाइनिंग आ जाएगी और बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मसाज, कहते हैं मसाज का बड़ा रोल है, और वाकई मसाज का बड़ा रोल है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप मसाज करते हैं बहुत ही जेंटल हल्के हाथों से मसाज करें, क्योंकि अगर आप बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग मसाज करेंगे तब भी आपकी बालों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। बट मसाज करने के लिए आपको ऑयल्स की जरूरत होती है। इसमें 2 ऑयल्स आपको मैं बताने वाला हूं जो आप घर में बना सकते हैं बड़ी आसानी से और बहुत ही अल्टीमेट इनके रिजल्ट्स मिलते हैं। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, हालांकि बाद वाला जो है उसके कुछ ज्यादा बेटर रिजल्ट्स होते हैं। तो पहला है आप करी पत्ता ले लीजिए, आपके घर में करी पत्ता होता है, 8-10 करी पत्ता ले लीजिए, उसको आप कोकोनट ऑयल में डाल दीजिए और उसको आप फिर एक बर्तन में रख के, अगर आप मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज घर में आपका स्टील का कोई भी बर्तन है उसमें डाल के इसको उबलने दीजिए तेल को। जब ये करी पत्ता बिल्कुल काला हो जाए, जल जाए, उसको उतारिए, ठंडा करिए, छानिए और छान के आप किसी बोतल में इसको, ग्लास की बोतल में, शीशी में भर के रख लीजिए। इसको आप एवरी अल्टरनेट डे अपने सर में हल्के से मसाज करें,
रात को करें, सुबह तक लगा रहने दें और सुबह आप अपना सर वॉश कर सकते हैं सिंपल शैम्पू से, या जो भी आप शैम्पू या कंडीशनर यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो लास्ट मैं ऑयल आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपके बालों को, अगर आपके पास बहुत ज्यादा भी बाल गिर रहे होंगे, मुट्ठी में बाल भर भर के आते होंगे, उनको भी गिरने से ये रोकेगा, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा सिर्फ 2 हफ्ते के यूज के बाद। आप देखेंगे आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स आने वाले हैं इससे। इसमें आपके 5 इंग्रेडिएंट्स है टोटल। पहला आपको नीम की पत्तियां लेनी है, दूसरा इसमें आपको कोकोनट ऑयल लेना है, तीसरा इसमें आपको आंवला ऑयल लेना है, चौथा इसमें आपको एक ऑयल आता है जिसको रोगन जरारी कहते हैं, और पांचवा एक ऑयल आता है जिसको रोगन बेज़े मुर्ग कहते हैं। इन सारे ऑयल्स को मिलाइए, इसमें नीम की पत्ती डाल दीजिए, इसको आप उबलने दीजिए ऑयल को, और जब ये नीम की पत्ती बिल्कुल काली हो जाए ऑयल को उतारिए, ठंडा करिए, छानिए और आप इसको किसी एक शीशे की बोतल में बंद करके रख दीजिए। इसको आप लगातार अल्टरनेट डे इस्तेमाल करें, हल्के से सर की मसाज करें, रात को लगाएं, सुबह आप सर धो लें। आप बिना सर धोए भी रह सकते हैं अगर आप घर में हैं, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो आप सर धो सकते हैं। कोई भी शैम्पू जो आप यूज करना चाहते हैं, हर्बल शैम्पू यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप देखेंगे कि आपको ऐसे अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे इस ऑयल के इस्तेमाल करने के बाद कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इवन जो बाल अगर आपके ग्रे हो रहे हैं वो भी ग्रेइंग भी रुक जाएगी आपके बालों की, और बाल ग्रो करेंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत हो जाएंगे, लेंदी होंगे, सिल्की हो जाएंगे। और आप, आई एम वेरी श्योर, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ आपको इससे फायदा हुआ है, और मैं वेट करूंगा 2 हफ्ते बाद आपके कमेंट्स का। फिर आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सो दैट इसका मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू।